अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल वालों पत्रकारों नाल गलबात की गई। इस मौके उन्होंने नाल भगवंत मान जरनैल सिंह अते कुंवर विजय प्रताप सिंह भी मौजूद सी। अरविंद केजरीवाल वालों अपनी इस पत्रकार वार्ता दौरान पंजाब दे विच अध्यापकों के हाल से दुख व्यक्त किया गया। इस दे नाल ही उन्होंने पंजाब सरकार नूं अपील की कि जल्द ही इन्हां अध्यापकों दीआं मंगां पूरीआं कीतीआं जाण। अरविंद केजरीवाल वालों पत्रकार वार्ता दौरान अपनी सरकार आउण समय अध्यापकों नूं 8 गरंटियां भी दे दित्तियां गईआं ने। उन्होंने कहा है कि जेकर पंजाब दे विच उन्हां दी सरकार आउंदी है तां उह अध्यापकों दीआं मंगां पूरीआं करनगे। उन्होंने कहा कि बीते दिन ही उन्हां नूं पंजाब तों अध्यापक मिलण आए सन जिन्हां वल्लों अपने नाल हो रही जाति दा प्रगटावा कीता गया। इस दे नाल ही उन्होंने यह भी मंग की कि पंजाब सरकार नूं केजरीवाल कोई सुझाव देण। केजरीवाल वालों पत्रकारों नाल गलबात करते हुए पंजाब के अध्यापकों नूं 8 गरंटियां दित्तियां गईआं ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर अध्यापकों के लिए ते सिक्ख्या के लिए वधिया माहौल दिता जाएगा और सिक्ख्या के खेत्र के विच क्रांति लियावांगे। कच्चे अध्यापकों नूं पक्का किया जाएगा। अध्यापकों का तबादला उन्हां दी मर्जी दे नाल होवेगा। अध्यापक सिर्फ पढ़ाउण दा काम करनगे, नॉन टीचिंग दे सारे काम उन्हां तों वापस लए जाणगे। अध्यापकों दीआं सारीआं असामियां भरीआं जाणगीआं। अध्यापकों नूं वड्डियां संस्थावां अते विदेशां दे विच सिखलाई दे लई वी भेजिया जाएगा। समय अनुसार उन्हां दी प्रमोशन कीती जाएगी। अध्यापकों अते उन्हां दे सारे परिवार का बीमा मुफ्त किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल वालों अपनी इस पत्रकार वार्ता दौरान अध्यापकों के नाल वड्डे वड्डे वादे किए गए ने। दस दिए कि लंबे समय तो अध्यापक अपनी मंगां पूरियां होण नूं लैके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उन्हां दीआं मंगां पूरीआं होण दी बजाए उन्हां दे उत्ते लाठीचार्ज जां फिर पाणी दीआं बुछारां दीआं वीडियोज़ सामने आ जांदीआं ने। देखना होवेगा कि अरविंद केजरीवाल दी सरकार आउण तों बाद अध्यापकों दीआं मंगां किन्नीआं पूरीआं हुंदीआं ने। उनसे अपील है कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए, या तो आप पूरा कीजिए नहीं तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ दिन के बाद अगर चन्ने साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊँगा मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा चाहे वो आउटसोर्स हों चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों, तीसरा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी टीचरों की कमी है तो कई टीचर्स को दो ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये तेरा चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, तीन दिन स्कूल में और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास दो चार्ज हैं, तीन दिन स्कूल में पढ़ाएगा, तीन दिन स्कूल में पढ़ाएगा और दोनों स्कूल जो हैं 200 किलोमीटर दूर हैं। ये ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं और ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफर पॉलिसी बदली। आज दिल्ली में साल के बिगनिंग में हर टीचर से पूछते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। हमें लगता है कि टीचर को दुखी करके आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं।